का जो वीडियो है, मैं गांव के पश्चिमी साइड से शुरू कर रहा हूं वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। जहां पर मैं खड़ा हूं वहां के पास में पीछे जगह पड़ी थी जो हमने आपको दिखाई है, काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब यहां पर धूप होती है और वृक्षों की छाया में बैठते हैं बहुत ही आनंद आता है। सामने देख सकते हैं एक दादा लेटे हुए हैं चारपाई पर, ये सो रहे हैं और धूप का आनंद उठा रहे हैं। इस गांव में सामने देख सकते हैं, मेरे सामने खड़ा है ई रिक्शा, इधर खड़ा हुआ है पिकअप, तो कई छोटे बड़े वाहन देखने को मिल जाते हैं। परौर गांव जो है सौरिक से और किसनी कुसमरा के लिए जो रोड जाता है उसी रोड पर बसा हुआ गांव है। सौरिक शहर से ये गांव लगभग में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गाँव में एक मिनी पेट्रोल पम्प मिल जाता है, एक टंकी लगी हुई मशीन ये देखिएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से चलते हैं आगे, अभी हमको मिलेगा राइट साइड में बम्बा, साइड में देख सकते हैं, और ये जो पुलिया बनी है इसी पुलिया से चलेंगे परौर गांव के अंदर के लिए। तो ये मैं आ गया हूँ परौर गांव के अंदर के लिए। परौर गांव आप आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए, ये गांव जो है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश और ज़िला कन्नौज का एक गाँव है। बहुत ही अच्छा और सुंदर गाँव है। इस गाँव में कई जातियाँ रहते हैं और सभी का एकदम से प्यार से रहना रहता है। और इस गांव में ये प्याऊ बना हुआ है सरकारी, जो कि कैलाश विधायक का उसमें नाम प्लेट लगा हुआ था। तो चलिएगा यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। इस गांव में कई छोटी आपको बैंक ऑफ इंडिया और एक दो मिनी ब्रांचें भी देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आगे जो लोग हैं ना इनको पैसा निकालने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस गाँव में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पर ठेली भी लगी मिलती है, देखिएगा चाउमीन बर्गर वगैरह भी आप इस गांव में खा सकते हैं। तो ये गांव आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि परौर गांव आपको कैसा लगा है। परौर गांव आप कभी आए हैं क्या? ये परौर गांव से कोई वीडियो देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करना कि आपको हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा है। और आपके गाँव को जो मैंने एक प्रयास किया है इंटरनेट पर दिखाने के लिए, यूट्यूब पर लाने के लिए, वो आपको किस प्रकार से लगा है, जो भी आपको सही गलत जैसा लगा हो वैसा आपको कमेंट करिएगा। पीछे बच्चा था बकरी चराने जा रहा था, भाई इनकी उम्र जो है ना पढ़ने की है, बकरी चराने की नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों को आप लोग पढ़ाया करिएगा, बकरी तो यार फिर चरा लेंगे ये लोग, लेकिन जो है अभी जो पढ़ेंगे तो ये आगे चल के देश का भविष्य भी बन सकते हैं। तो चलिएगा, गाँव में हों और फिर जानवर ना देखने को मिले, यार ऐसा हो नहीं सकता कि गाँव में जानवर ना देखने को, गाँव में जानवर तो देखने को मिलते ही है। अभी हम सामने आ चुके हैं, एक स्कूल बना हुआ है सामने से दूर से दिख रहा है, तो आइएगा जानते हैं इस स्कूल का भी नाम कुछ है या नहीं है। ये दादा जा रहे हैं साइकिल से स्कूल के पास है, और स्कूल के सामने खड़ा ये बहुत ही पुराना बरगद है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्कूल की जो बाउंड्री वगैरह तो कुछ लग नहीं रही है, और ये यार मैं एकदम से दूर से तो स्कूल ही लग रहा है, लेकिन इस पर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था तो कन्फर्म नहीं बता सकते। चलिएगा मैं आ गया हूँ गाँव की एक अंदर जाती है गली, और जहाँ पर बना हुआ है एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और इस मंदिर से अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या रखा है, ये मिल गया है हमको ई रिक्शा, सामने खड़ा है ट्रैक्टर, और यहाँ पर ये है बहुत ही पुराना घर है, जहाँ पर पतली वाली ईंट लगी होती है उस वाली ईंट से बना था ये वाला घर। तो चलिएगा आगे आगे भाई, और क्या देखते हैं, ये गेहूँ काटने वाली थ्रेसर खड़ी है, और ये देखिए कोई पुरानी बिल्डिंग है यार जो बहुत, ये भाई लोग खड़े हुए हैं, देखिएगा गांव है, गांव में जब चार लोग खड़े हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है राजनीति, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। चलिएगा भाई अब चलता हूँ इस गली के ऊपर से। ये गली जो है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर जब पैदल या साइकिल से जाओ तो साइकिल तो चढ़ेगी नहीं, इतनी ऊँचाई है यार। और ये गाँव को बाहर से देखने में नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे कहीं से बाहर से ऐसा नहीं लगा, ये बहुत ही ऊंचे पे टीला बना है। मैं अभी गांव के हाईएस्ट ऊंचाई पर आ चुका हूं, और ये साइड से गांव जो घर बना हुआ है ना बहुत ही प्यारा घर है और बहुत पुराना घर है। यहां पर देखिएगा ये देखिए बकरी बच्चे सभी लोग रोड पे घूम रहे हैं, बकरा बकरी भैंस ये बछड़े ये सारे को देखो रोड पर ही बंधे हुए। और ये भाई साहब जेलो बाल्टी में जूता धुल रहे, क्या बात है यार, जलवा है भाई का। तो चलिएगा दोस्त चलते हैं यहाँ से नीचे, और ये बच्चा क्या ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ मिल गया यार पैसा वगैरह। और ये देखिए यार ये वाला घर बहुत अच्छा लग रहा है, देखा यार एकदम से काफ़ी लंबा चौड़ा, ये लग रहा है कि कोई संस्था वगैरह हो।
ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलते अब आगे की ओर। प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक यार कर दीजिएगा भाई, देखिए कितने मन से हम आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और ये लो सामने मिल गए हैं भगवान बुद्ध, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, तो भगवान बुद्ध की जय हो। तो चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपने वीडियो को कहाँ से देखा है, और वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू।